आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि डाइट प्लान क्या होता है, डाइट प्लान के क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरीके का डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, खुद आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अक्सर कई बार हम वजन घटाने के चक्कर में जरूरत से भी कम खाना खाते हैं और कई लोग ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो कम खाना खा रहे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि डाइट प्लान क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको खाना खाना चाहिए, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती है। पहले बात करते हैं डाइट प्लान क्या होता है। डाइट एंड प्लान, इन दो वर्ड्स को मिला के बना है डाइट प्लान। डाइट का मतलब होता है वो खाना जो आप खाते हो वो आपकी डाइट है। ये कुछ भी हो सकता है, ये वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, यानी कि हर वो चीज जो आप खाते हो वो आपकी डाइट है। ये तो बात हो गई डाइट क्या होता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए आपको सिर्फ डाइट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम जो भी चीजें खाएं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को सही मात्रा में कार्बोज मिले, फैट्स मिले, प्रोटीन मिले और जो फाइबर है वो मिले और साथ में पानी मिले, जितने भी मिनरल्स और विटामिंस की जरूरत है वो हमारे शरीर को मिले। जब हम ऐसा खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, और इसी डाइट को प्लान करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डाइट प्लान। अगर एक लाइन में हम इसको समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई भी डाइट जिससे हमारे शरीर को पूरा पोषण मिले, जब हम उसको प्लान करके फॉलो करते हैं तब उसको हम बोलते हैं डाइट प्लान। अब हम बात करते हैं कि डाइट प्लान के क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम प्लान करके किसी डाइट को फॉलो करते हैं तो पहली चीज तो हमें सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग वजन घटाने के लिए अपनी डाइट को एकदम कट कर देते हैं, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे उनका वजन तो कम हो जाता है लेकिन वजन के साथ साथ उनके शरीर में न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से इसका सीधा असर उन्हें उनकी स्किन पे दिखाई देता है, उनकी हेयर पे दिखाई देता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। वहीं जब हम डाइट को अच्छे से प्लान करते हैं, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखे करते हैं, तो हमारा वजन भी कम होता है और साथ ही साथ हमारी सेहत, हमारी हेल्थ और उससे इम्प्रूव होती है। एक सही डाइट प्लान ना सिर्फ आपके वेट को मैनेज करता है बल्कि आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको भी काफी हद तक क्योर करता है। अब बात कर लेते हैं कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। मैं अभी आपको एक सैंपल वेजिटेरियन डाइट प्लान बताऊंगी कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस आप अपने खाने में ले सकते हैं। देखिए, अगर बात करें ब्रेकफास्ट की, तो जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हमेशा प्रोटीन और कार्बोज में रिच होना चाहिए। इसका कारण ये है कि सारी रात सोने के बाद सुबह हमें एनर्जी की जरूरत होती है। प्रोटीन और कार्बोज एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स है। तो ब्रेकफास्ट में आप इडली ले सकते हो, दही के साथ रोटी ले सकते हो या पराठा ले सकते हो, फिर आप स्प्राउटेड ग्रेन्स खा सकते हो, उबले हुए चने खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप रोटी सब्जी दही भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर लाइट ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं तो आप चिल्ला ले सकते हैं या इडली ले सकते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम बात करते हैं हमारे जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है, 10-11 बजे के टाइम पे जब भूख लगती है उस टाइम पे आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं या फिर आप लस्सी पी सकते हैं, एक गिलास छाछ पी सकते हैं, इन चीजों को आप ले सकते हैं। कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते वक्त आपका आपके हेल्थ स्टेटस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर को अवॉइड करना चाहिए, चीनी को अपने खाने में ऐड नहीं करना चाहिए। उस वक्त अगर आप दलिया बना रहे हैं तो आप नमकीन दलिया ले सकते हैं या फिर आप बहुत थोड़ी मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल करके भी दलिया बना सकते हैं। वहीं अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए कोई डाइट प्लान देख रहे हैं उस केस में भी आपको फैट की मात्रा अपने खाने में कम करनी चाहिए और साथ ही साथ कार्बोज को भी थोड़ा कम लेना चाहिए। कार्बोज यानी कि जो चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उनका इस्तेमाल आपको लिमिटेड मात्रा में यानी कि कम मात्रा में करना चाहिए। मॉर्निंग स्नैक्स के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे लंच पे। आपको ज्यादा कुछ भी अलग से खरीदने की या अपने डाइट प्लान में शामिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इन चीजों से अपना लंच कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। एक कटोरी, जो छोटी कटोरी हम सबके घर में होती है, उस एक कटोरी से आप एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी चावल और साथ में एक रोटी आप ले सकते हैं। मैं ये एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान बता रही हूँ, बाकी जो डाइट प्लान होता है वो आपके हाइट, वेट और आप किस तरीके का काम करते हैं, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है,
उस पर डिपेंड करता है। कि मैं समझती हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस क्वांटिटी में भी खाते हैं तो ये आपके लिए ओवर या अंडर किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपके लिए बैलेंस होगा। तो ये हो गया हमारा लंच। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स की तरफ। शाम में आप एक कप चाय ले सकते हैं, चाय के साथ में आप भुने हुए मूंगफली ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। अगर आप चाय को छोड़ सकते हैं तो इसकी जगह पे आप हर्बल टी ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। हर्बल टी की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आप बिना चाय पत्ती का इस्तेमाल किए, बिना चीनी का इस्तेमाल किए एक हेल्दी चाय पी सकते हैं, जो आपकी वेट लॉस पे भी हेल्प करेगी और आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट भी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, क्योंकि फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए एक ही फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूस को हो सके तो अवॉइड करें। मार्केट का जूस तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। आपका डिनर बहुत ही हल्का होना चाहिए। डिनर में आप एक कटोरी खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर आप दाल चावल खा सकते हैं, या एक या दो रोटी के साथ में सब्जी और साथ में एक कटोरी दही, इतना आप खा सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपके डिनर की क्वांटिटी है वो लंच की क्वांटिटी से कम होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें, डिनर के टाइम में आपको रोटी या चावल दोनों में से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप एक या दो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप रोटी खा सकते हैं, या फिर अगर आप चावल ले रहे हैं तो सिर्फ एक कटोरी चावल। ये मत कीजिए कि आप एक कटोरी चावल और साथ में एक रोटी खा रहे हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि दो ग्रेन जब हम खाते हैं, यानी कि रोटी और चावल, जब हम दोनों चीज़ों को खाते हैं तो हम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी का इंटेक कर लेते हैं। तो इसलिए डिनर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। डिनर के बाद रात को सोते वक्त आपको एक गिलास दूध ज़रूर लेना चाहिए। ये आपकी स्लीप को भी बेटर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सही करता है और आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को तो रात को सोने से पहले दूध ज़रूर लेना चाहिए। इन सब के साथ साथ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरे दिन का एक डाइट प्लान। इसको अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते हैं तो ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्कआउट ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप दालों को शामिल कीजिए, पनीर को शामिल कीजिए, सोयाबीन या सोयाबीन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोया चंक्स है, सोया मिल्क है या टोफू होता है, उसका इस्तेमाल अपने खाने में कीजिए। इससे आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अपने खाने में जो तली भुनी चीज़ें होती हैं इनका इस्तेमाल कम कीजिए, चीनी का इस्तेमाल आप कम कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी कि डाइट प्लान क्या होता है, किस तरीके से आप डाइट प्लान बना सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।